नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्शकों जी, यहाँ पे से राजस्थान प्रदेश की आज की दिन भर की बड़ी और आम खबरें शुरुआत कर देते हैं। राजस्थान प्रदेश की आज की दिन भर की बड़ी खबर के साथ बड़ी खबर, दो इस्तीफों की पेशकश के बीच सीएम अशोक गहलोत का जवाब ये अंदाज कर रहा है हैरान। राजस्थान की गहलोत सरकार में पिछले एक सप्ताह में सियासी उथल पुथल जारी है। इस उथल पुथल का कारण गहलोत सरकार में मंत्री अशोक सांदना और यूथ कांग्रेस अध्यक्ष डूंगरपुर विधायक गणेश गोगरा की ओर से इस्तीफे की पेशकश करना है। लेकिन इस मामले में सीएम अशोक गहलोत बयान देने से बसे नहीं है, बल्कि खुलकर अपनी बात रखी है। सीएम अशोक गहलोत की ओर से दोनों मामलों में दिए गए बयान पर हर कोई चकित है। कारण ये है कि सामने राज्यसभा चुनाव है, वोट का दबाव होने के बाद भी सीएम ने खुलकर दोनों मामलों में बयान दिया है। आपको बता दें कि सांदना को गहलोत ने व्यंग्य के रूप में दिया जवाब। मंत्री अशोक सांदना ने नाराजगी जताते हुए अपने मंत्री पद को जलाते भरे बताते हुए इससे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुक्ति भी मांगी। साथ ही मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कुलदीप रांका को उनकी विभाग की जिम्मेदारी सौंपने को कहा। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी मंत्री अशोक सांदना को लेकर व्यंग्यात्मक लहजे में ये कह दिया कि राजस्थान में जो खेलों को लेकर बड़ा आयोजन हो रहा है उससे मंत्री अशोक सांदना दबाव में आ गए होंगे। हो सकता है उन्होंने ये बड़ी बात कह दी हो, लेकिन हमें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। सरकार के 42 महीने में 4 इस्तीफे हो चुके हैं, 3 बर्खास्तगी हो चुकी हैं और 2 की बहाली हो चुकी है। राजस्थान की गहलोत सरकार के करीब 42 महीने पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन इन 42 महीनों में गहलोत को 4 इस्तीफे मिले हैं, जिनमें मंत्री लाल चंद कटारिया, वर्तमान मंत्री और विधायक हेमाराम चौधरी का इस्तीफा, साथ यूथ कांग्रेस अध्यक्ष डूंगरपुर विधायक गणेश गोगरा का इस्तीफा, खेल मंत्री अशोक चांदना की ओर से इस्तीफे की पेशकश हाल ही में हुई है। हालांकि इन 4 इस्तीफे देने वाले नेताओं को मैनेज कर लिया गया है, लेकिन इस 4 इस्तीफे ही नहीं बल्कि गहलोत सरकार को अपने 42 महीने के शासनकाल में एक राजनीतिक उठापटक भी झेलनी पड़ी है। वही राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, तबादले के लिए कर्मचारियों को नहीं भटकना पड़ेगा, गहलोत सरकार जून में लाने जा रही है तबादला नीति। प्रदेश में कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारियों को अपने तबादले के लिए अब एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर बड़े साहब के पास चक्कर काटने नहीं होंगे। प्रदेश की गहलोत सरकार जून में एक तबादला नीति ला रही है, माने तो तबादला नीति का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, बस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंजूरी का इंतजार है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर मौसम अलर्ट को लेकर है। प्रदेश में आज एक बार फिर देर रात बदल सकता है मौसम का मिजाज। जयपुर और भरतपुर संभाग में आंधी के साथ बारिश की संभावना। प्रदेश में आज मौसम के मिजाज में फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। शनिवार से कम तीव्रता के साथ पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके चलते मौसम विभाग ने 24 घंटे तक 10 जिलों में बारिश की चेतावनी दी है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर सोने चांदी के भाव स्तर। जयपुर के सराफा बाजार में शनिवार को सोने और चांदी के भाव में स्थिरता देखने को मिली है। सराफा बाजार में शनिवार को सोने का भाव 52,500 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी के भाव 63,950 रुपये प्रति किलो रहा है। वही राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री बीडी कला ने छेड़ी ओपन बस, भाजपा को दी चुनौती। पूछा, भगवान शंकर की पूजा करते समय कौन सा मंत्र जपते थे प्रभुराम? उदयपुर दौरे पर आए कांग्रेस शिक्षा मंत्री ने भाजपा के सामने ओपन बहस छेड़ दी है। उन्होंने चुनौती देते हुए पूछा कि भाजपा नेता बताएं कि भगवान शंकर की पूजा करते समय प्रभु राम कौन सा मंत्र जपते थे। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 1000 नए महात्मा गांधी स्कूल के लिए निदेशालय ने मांगे प्रस्ताव। प्रदेश में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने को लेकर सरकारी स्तर पर प्रयास जारी है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 नए महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले जाने को लेकर निदेशालय ने शिक्षा विभाग से और शिक्षा अधिकारियों से प्रस्ताव मांगे हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ने कहा हिंदू होने पर गर्व, ज्ञान व्यापी को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज नागौर दौरे पर रहे, यहाँ उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ राम सेनाई संप्रदान की प्रधान पीठ रामधाम देओल में मंच से संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे भी हिंदू होने पर गर्व है और हर हिंदू को गर्व होना ही चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे धर्मों को नीचा दिखाया जाए और जगह जगह दंगे कराए जाएं। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि उन्हें हिंदू होने पर गर्व है, इसके साथ ही उन्होंने सभी धर्मों के सम्मान की बात कही थी। उन्होंने कहा है कि मौजूदा हालात में पीएम नरेंद्र मोदी को देश की जनता से शांति और सद्भाव की अपील करनी चाहिए। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पेपर लीक करने वाले जयपुर के दिवाकर पब्लिक स्कूल सेकेंडरी की स्कूल की मान्यता रद्द, सारा रिकॉर्ड भी जब्त। राजधानी जयपुर के झोटवाड़ा में स्थित दिवाकर पब्लिक सेकेंडरी स्कूल में पुलिस भर्ती का पेपर लीक होने के मामले में सीज स्कूल का ताला तोड़कर शिक्षा विभाग की टीम ने स्कूल का सारा रिकॉर्ड जब्त कर लिया।
इसी दौरान टीम ने स्कूल में मौजूद विद्यार्थियों के रिकॉर्ड को सुरक्षित रूप से अपने कब्जे में लिया और स्कूल की मान्यता रद्द करने के आदेशों की जानकारी सुषमा कर दी। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 1,05,00,000 ग्रामीण परिवारों को इस साल जल कनेक्शन। हर घर नल कार्यक्रम के तहत राजस्थान में इस साल 15,000 गांवों में 32,66,000 परिवारों को पेयजल कनेक्शन जारी किए जाएंगे। विभाग की ओर से इस तरह का रोड मैप तैयार किया जा रहा है, जिसके अनुसार आगामी वर्ष 2023-24 तक राज्य के सभी 1,05,00,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों को हर घर नल कनेक्शन कार्यक्रम के दायरे में लाया जा सके। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की दिन भर की।